देखिए, ये हमारा फासपुर गांव है जो हमारे फरुखनगर ब्लॉक गांव में है, और ये एक दुर्भाग्य कहें कि प्रकृति की मार है, बारिश के मौसम में कहीं कमी रही होगी बिल्डिंग में, लेकिन भगवान का शुक्र भी है कि छुट्टी होने के कारण आज यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, 4 या 5 लोग यहाँ पर थे, जिसमें 2 उसी समय बच गए जब आवाज़ आई, 3 कि जैसे हमें बताया है 3 आदमी अंदर थे, 1 हमने बचा लिया जो उत्तर प्रदेश का है, 1 भिवानी का है जो अभी अंदर है, 1 आदमी और है। तो उम्मीद है कि भगवान से विनती करते कि वो बच जाए। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, NRDF की टीम लगी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और पूरी टीम यहाँ भेजी हुई है और मिनट टू मिनट अपडेट यहाँ से ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भी यहाँ हैं, पूरी प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और हम बचाव कार्य में लगे हुए हैं। ये 3 मंजिला इमारत है और बिल्डिंग किसी गुड़गांव के किसी व्यक्ति की बताई गई है, और ये तो आगे पता लगेगा आहिस्ता, लेकिन आप सबकी प्राथमिकता ये है कि जो मनुष्य जीवन अंदर फंसा हुआ है, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति उन सबको बचाया जाए, और उसमें हम पूरा पूरा प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन विधायक जी, आप यहाँ स्वयं पहुँचे हैं, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ये पहले से ही झुकी हुई थी, इस तरह की जानकारी मिल रही है, आपने क्या जानकारी प्राप्त? देखिए, मुझे भी यही जानकारी जैसे आपको है उतनी जानकारी मुझे है, इससे थोड़ी ज़्यादा ये है कि भाई इसको रिपेयर का काम भी इन्होंने चला रखा था। अब किसकी है कोई गुड़गांव की कोई बताए उनकी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिसकी भी हो अगर गलत है, जांच होगी तो उसको दंडित किया जाएगा। देखिए, 7:30 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कि फारुखनगर में जो हमारा खासपुर गांव है वहाँ पे 3 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, और ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पे लेबरर्स रहते थे और काफ़ी संख्या में व्यक्ति अंदर दबे हो सकते हैं। तो उसके ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम यहाँ पहुँची, फायर ब्रिगेड्स की टीम पहुँचाई गई, मशीनरी इकट्ठी हुई, NDRF और SDRF से भी संपर्क साधा गया, और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी NDRF और SDRF दोनों की टीमें काफ़ी देर से कार्य कर रही हैं, और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि लगभग 4 या 5 ही व्यक्ति अंदर थे। हालांकि जो सही संख्या है वो तो पूरे रबल को क्लियर करने के बाद ही सही स्थिति का पता चल पाएगा। 1 उसमें से रेस्क्यू किए जा चुके हैं जो अस्पताल पहुँच गए हैं, 1 अभी निकाले गए हैं, ये जो बताया गया है कि एक्सपायर हो गए हैं, 2 का अंदेशा अभी ये है कि अंदर ट्रैप्ड हैं, और 1 व्यक्ति जो अंदर थे और बच के बाहर भाग निकल पाए सके उनको अभी NDRF की टीम ने अपने साथ रखा हुआ है, और उनकी मदद से जिस स्पॉट में उनको ये था कि वो व्यक्ति ट्रैप हो सकते हैं वहाँ पे NDRF की टीम अभी कार्य कर रही है।